बोलेगा, फिर बोल रहा, उल्टा सीधा तोड़ साले, ये ले, ये ले, हाँ, साले, बोलेगा बिगड़ी जात की बोलेगा, इधर का बोलेगा साले, छोड़ो सेठी टूट गया वो तो, ये भी टूट गया, टूट जा साला, साला लगा यार, ये आदमी है ये कसाई, अब्बू ने मुझे कहाँ फंसा दिया, क्या ला? माँ वो मैंने जो कह दिया ना मेरी जाती बेकार जो बोलेगा साले बर्बाद कर दूँगा, छोड़ दूँगा साले ऐसी तोड़ दूंगा मूसल की तरह ही। खामोश हो जा बेटा, खामोश हो जा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अबे कनस्तर कैसी आवाज कर रहा है ये? क्या आवाज कर रहा है, रुक जा। हाय अल्लाह, शेख जी कनस्तर गिर गया, रोक लो। अबे रोक घोड़ा, रोक भागो घोड़ा, रोक। हाँ बेटा, अरे इसे उठा लो बेटा, उठा लो, उठा लो इसे तो, उठा लो। हाँ वो एक तरफ रहो, एक तरफ हो जाओ। क्यों इसने आवाज करी बेटा, ये कीमती चीज है, उठा लो। इसने आवाज करी है ना, मुझे नहीं बता। आमीन आमीन भाई साहब, पूरा हो जाएगा, लगड़ जाओ, पूरा हो जाएगा। मेरी बात सुनो, इसने आवाज करी है ना, देख मेरे बड़ों की बात मान। मामू मैं मान रहा हूँ, जरा फर्क हो जाओ। इसने आवाज करी है, मुझे पता है तू इसे छोड़ेगा नहीं। एक तरफ हटो, मान जा भाई, मेरी बात सुनो पहले। इसने आवाज करी है ना, ना माने। अरे आमीन बेटा, तू मना, हम वो आवाज पसंद नहीं करते, हमारे फिगर बोल जा कोई। हाँ बेटा मुझे ये तो पता है कि तू किसी, हट जाओ, दूर हो जाओ, हमारी फिगर जैसे बोल जा, फिगर कहे बोल जा, फिगर हुकम के बोल जा, साले साले पिछला दूंगा, साले कर दूंगा तेरा, कर दूंगा साले। हाँ इधर आ, इधर आ साले, छोड़ो नमक का छोड़ना लगेगा। ये क्या हो रहा है? हाँ साले, साले मिटा दूंगा दुनिया से। भाभी ठीक कर रहा हूँ ना, हाँ ठीक कर रहा हूँ ना भाभी, अब नहीं करेगा बेटा आवाज, अब नहीं करेगा, अब तो आवाज करने काबिल ही नहीं रहा। छोड़ दे, नहीं छोड़, छोड़ साले को। चल बेटा बैठ जा, चल बैठ जा, बैठ जा, और देर हो गई, चलो भाई चलो। अम्मी पांचू तुझे मुबारक हो, मैं तो नहीं मरने वाली। शेख भाई, शेख जी इसे ले तो आए हम तुम्हारा निगाह करा के, मगर भाई आमीन भाई डरना क्या, जब निगाह करा कर ले आए तो जूते तो खाने पड़ेंगे। और तो कुछ ना, पूरे गांव की इज्जत तो घट जाएगी जब रोज सुबह सर पे पांच जूता पड़ा करेंगे। यामीन भाई जूते तो मेरे सर पे लगने, तुम क्यों डर रहे हो? अबे इज्जत तो हमारी भी है गाँव में। खामोश बड़गंजू। ओवे हाँ यामीन भाई, ये तो बात सही कह रही हो, सुबह उठते ही साली पांच जूते मारेगी जरूर। तू ही बता, जब सुबह रोज पांच जूते मारेगी पूरा मोहल्ला ना देखेगा? मोहल्ला क्यों देखेगा, घर में लगवा लिया करूंगा। उसकी तो तय पूरे गांव के सामने हुई थी, पूरे गांव के सामने मारेगी जूते खड़े करके। कुछ सोचो शेख चिल्ली, मैं चल रहा हूँ काम के लिए। चल निकल, पागल मानना शेख चिल्ली, कैसे होगी शेख चिल्ली? मेरा भी नाम शेख चिल्ली है। आज की रात कयामत की रात होगी। अजी शेख जी, खाना खा लिया? मैंने तो खा लिया भाभी, मगर रुखसाना को खिला दो। खा तो उसने भी लिया, लेकिन तुम आज से कम खाया करो। कम खाया करूं? क्यों भाभी? वो इसलिए पांच जूते रोज नहीं खाने आपको। ओ वो भाभी, भाभी सब देखा जाएगा, मेरा भी नाम शेख चिल्ली है, बेवकूफ नहीं हूँ। वो तो सुबह पता चलेगा, जब गांव वाले खड़े होके तमाशा देखेंगे। ये क्या हो रहा है? बचाओ, ये आला मार डाला।
तेरी कोई नहीं सुनेगा रुखसाना। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? हमें सब पता है, इस घर में हर वक्त पे मेरी नजर रहती है। मैं तो इस घर में आज ही आई हूँ, मुझे कुछ मत कहो। ठीक है तो, मगर जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। बताओ जी, बताओ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। पूरे परिवार के पैर छूकर रोज सलाम करना और शेख चिल्ली की खातिर करना। जब भी उससे मिलो उसकी सेवा करो और उसका कहा मानना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। ठीक है तो, हम चलते हैं रुखसाना। आओ फालतू। यार अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? इस घर में तो बहुत बुरी आफत है। माँ कैसे डर रही है, बोल भी नहीं रही। माँ कुछ तो बोल। शेख जी, आपको पता है मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा? थैंक यू। क्या बात हो गई? आपको पता है आपके घर में कोई बाबा आते हैं? क्या बाबा? अबे वो यहाँ भी आ गया। उस कम वक्त ने हमारे घर को क्या समझ रखा? मैंने कुछ कहा था नहीं शैतान ने? वैसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पलंग पे गिरा के खूब रगड़ा। खूब रगड़ा? मैं और कुछ तो नहीं कहा। कहा तो कुछ नहीं, लेकिन कह रहे थे अगर इस घर में तूने शेख शिल्ली को कुछ कहा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा? ये बात तो सही है। तुझे बता, एक दिन मेरी मामी ने मेरे मामू को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया? हाँ। फिर क्या हुआ? होता क्या, फिर तो उस कमबख्त ने मेरी मामी को गांव की गली में भगा भगा के मारा। और अब 50 बार मैं अपनी मामी का जा लिया, मगर मेरी मामी मुझे दिखती भी नहीं है। मेरी मामी मुझे रोज याद आती है, आए मामी, आए मामी, आए मामी, आए मामी। शेख जी, आप मत रोइए, वरना मैं भी रोने लगूंगी। रोने लगेगी? तू रो, रो, यही तो चाहता हूँ रुखसाना, तू रो। रुखसाना, रो मत, रो मत, मुत्तरा, मुत्तरा, मुत्तरा। खराब हो गया है, थक गई हूँ मैं। तुम क्यों रो रहे हो? मैं यूं रो रहा था कब वक्त,
मैंने सोचा तुझे मुस्कुराने कह दी, मुस्कुराने का कुछ बुरा कर दिया थी क्या, मगा कभी डंडा ढूंढ लग जाती है बार बार। छोड़ो, छोड़ दिया। तुम ये बताओ तुम पे गाना आता है? है? तेरे को आता? हाँ मुझ पे तो आता है, सुनाऊं? सुना, ठीक है। दीदार को तरसे अखिया एक बार जा 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 एक बार जा 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 बाजी भाजा ऐसा मेरे पे भी आवे ऐसे तो मैं गा दूं। तुम पे आता है? हाँ सुनाऊं? सुनाओ। सुन ले मेरी बात, सुन, कान खोल के सिमल के बैठ जा। एक दिन मेरे गधे को कदी एक लगी थी प्यारी। अच्छा? मेरे गधे ने पास बुलाकर उससे जोड़ी यारी। उस गधी ने एक दिन मेरे गधे के गाल पे काटा। काटा? मेरे गधे को गुस्सा आया, यूं करके लात दुलकता हमारी। मर गई, 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 मर अजी सुनते हो क्या? सोच रहे हो अभी तक सोए नहीं? सोने की क्या पूछो बेगम, सुबह के बारे में सोच रहा हूँ। सुबह क्या? अरे वो पांच जूतनी लगेंगे सुबह। अरे उसे छोड़ो तुम, अब की सोचो। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अबे अभी छेकिली नहीं उठा? हम भी यही देख रहे हैं मामू। अबे बेटा उससे बोलना फजर का टाइम उठ जा करें, बुरी बात है इतनी देर तक नहीं सोते हैं। बेटा बात तो सुन। हाँ मामू। बेटा आसपास कोई कील वाले जूते तो नहीं है? नहीं मामू, हल्के हल्के जूते रखें। हाँ ध्यान रखना, हल्के फुल्के जूते रखना। हल्के ही रखे हैं मामू, कुछ ना पता उसके हाथ में कौन से आ जा। ठीक कह रहे हो मामू। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, बहुत सुबह हो गई, कितना टाइम हो गया। सबको सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। यामीन आज सूरज पूरब से निकला या पश्चिम से निकला है? पता नहीं मामू। हमें भी पता कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगा मामू झाड़ू लगा के मारेगी जूते। भाभी जान थोड़ा बर्तन वर्तन बतला देते, मैं चाय बना लाऊं। नहीं चाय मैं बना लूंगी, आप नहा लो धो लो। चलो ठीक है, कपड़े रखे मैं कपड़े धो लाऊं। ठीक। वालेकुम सलाम बेटे। अरे बत्ती भी भाग गई, गर्मी हो रही है। मामू क्या देख रही हो? बेटे मैं ये देख रहा हूँ क्या प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम? वो प्रोग्राम
मामू कैसी बात कर रही हो, आगे आगे देखते जाना क्या होता है। अबे एक रात में काया पलट दी तूने। वाह मामू कैसी बात कर रहे हो, मैं भी तुम्हारा भांजा हूँ, ये तो एक रात लगी गई, वरना मैं तो एक घंटे में बदल दूँ। क्या कह रहे हैं, रोटी कैसी रोटी, नहीं मिलेगी रोटी वोटी। अजी एक बात कहूँ। हाँ कहो बेगम। रुखसाना को देखी आते जाके। देख मेरी तो हिम्मत है नहीं वहाँ जाने की, जाया वहाँ जाता है जहाँ किसी की इज्जत हो। क्यों क्या बात हो गई? अच्छा तेरी नजर में कोई बात भी ना हुई है, उस गांव में बढ़ने से ही पहले लोग मुझे ये कहेंगे कि देख वो आले जूते मारने वाली का बाप, वहाँ मैं क्या बोलूंगा, क्या शांति देंगे लोग मुझे। क्या कहेंगे, हमने तो पहले ही खोल कर रख दी थी, तुम जाते हो या फिर पिटोगे। जाता हूँ अल्लाह की बंदी जाता हूँ। चल भाई शेर खान। अरे बेटा यामीन क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, शेख चिल्ली ने खाया या नहीं? चलो ठीक है, आइए आइए शेर खान साहब आइए। और सुनाइए बेटा, एक काम करो, कुछ थोड़ा सा चाय वाय का इंतजाम कर लो, जाओ। और एक काम करो बेटा, तुम खाने का सामान लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ बेटा। और सुनाओ शेर खान साहब, कैसे याद आ गए हमारी, हम तो आपका इंतजार देख रहे थे। अजी आना क्या, मुझे तो बड़ी शर्म लग रही थी, मैं तो बड़े डरते डरते आया हूँ। अरे वाह, डरते डरते क्यों आयो, अरे ये तो आपकी बेटी का घर है, आपका अपना घर है, हम तो बहुत खुश हैं आपकी बेटी को अपने घर लाकर। हम तो खुदा से दुआ करते हैं, ऐ मेरे मौला ऐसी बहू सबको दे। चौधरी साहब आप मुझे शर्मिंदा ना करें, चाहे मेरे सर पे जूता मार लो, मगर ये कह के मुझे बेइज्जत मत करो। नहीं नहीं चौधरी साहब, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अरे जिसकी औलाद इतनी समझदार हो, इज्जतदार हो, उसे कभी अपना सर नहीं झुकाना पड़ता। मैं रुखसाना को भेजता हूँ, आप बैठो।